आपके क्या हाल है मैडम? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़ा जबरदस्त मॉर्निंग शो कर रही हैं, बल्कि मॉर्निंग क्या, आप पहले कभी इवनिंग शो करती थी, फिर आप मॉर्निंग शो, कोई आपसे शो करवा लें आप कर देती हैं। हाँ जी, शादी शो भी कर लें मैंने। आपसे तो मैं नाराज हूँ, जब मैं यहाँ हुआ करती थी आपकी पोएट्री आपकी उस टाइम खत्म ही नहीं होते थे शेर, अब मैं आई हूँ कोई शेर ही नहीं आपने मुझे सुनाया। सुना दे प्लीज, सुना दे। कोई गाना, कोई शेर, मैं सोच के आई थी कि कुछ आपकी तरफ से अच्छा मुझे जो है ना सरप्राइज मिलेगा। देखिए उन्होंने अच्छा शेर मुझे आप सुनाएंगे। आप तो हैं ही प्यारी, लेकिन सानू मिल गई है, तुसी इजी रहो। आपके हुस्न पे एक शेर है। इरशाद, इरशाद। तेरा हुस्न बेमिसाल है, जिसने कर दिया मेरा बुरा हाल है। ये जो आप इतनी प्यारी लग रही हो हिना, ये नेचुरल ब्यूटी है या मेकअप का कमाल है? आपने इसी टीम के साथ स्टार्ट किया था अपना करियर, एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा होगा, बिकॉज टीम बहुत अच्छी है। अब आप मॉर्निंग शो करती हैं, आपके पास मार्जिन नहीं होता मॉर्निंग शो पे, लाइव होता है गलती करने का, तो अगर खुदा ना हास्ता कोई गलती हो जाए, आप उसे कवर अप कैसे करते हैं? और आप नॉर्मली क्या लोगों को बताना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? इतने ज्यादा सवाल एक साथ है, बहुत अच्छा आपका ये प्लेटफॉर्म है, एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप प्लेटफॉर्म पे हो अभी और इतनी अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो। मैंने अपने करियर का स्टार्ट इसी प्लेटफॉर्म से किया और आज मैं जहां भी हूं, क्रेडिट जाता है इस टीम को, इस अमेजिंग टीम को। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा, और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप पंचुअल हैं, तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर है। जितनी मेहनत हीना ने की है ना, हाँ, कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा। सराइकी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी, पंजाबी, उर्दू, पता नहीं जो जो जुबानें सानू नहीं होंदियां। वेरी गुड जी, मुझे बुज़ार साहब याद आ गए। वैसे हिना, आपको ये भी एक क्रेडिट जाता है, आप उन चंद एंकर्स में से हैं जिन्होंने बुज़ार साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उनको इंटरव्यू किया था। जी जी बिल्कुल, वो स्टोरी भी मैं शेयर करना चाहूंगी। प्लीज करें, क्योंकि उसके अलावा तो हमें से किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। सिर्फ दो तीन लोग थे जिनको ये फैज हासिल हुआ था। जी जी, हुआ कुछ यूं कि हम एक ईद का मैसेज रिकॉर्ड करने गए, और उसके लिए मुझे भेजा कि आप जाएं और मैसेज रिकॉर्ड करके लाएं। दो क्वेश्चन थे, जब मैं गई तो उन्होंने कहा आज तो मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी शेव नहीं हुई भी, और जब मैंने सराइकी में बात की तो उन्होंने कहा मैं तो फीमेल एंकर्स को बिल्कुल इंटरव्यू देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन यू विल बी द ओनली फीमेल एंकर जिसको मैं इंटरव्यू दूंगा, इसलिए कि आप सराइकी बेल्ट से हैं और आप बहुत अच्छी सराइकी बोलती हैं। बड़ा इंप्रेस हुए, और उन्होंने मुझे अगले दिन फॉरन से कहा कि हम एक प्रॉपर ईच शो टाइप प्लान करते हैं, सिर्फ मैसेज ही नहीं और क्वेश्चंस वगैरह फिर हमने डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू आपने किया तो वो बोल रहे थे ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत इनोसेंट है मुझे लगता है। अच्छा, आपने इस बात का तायुन कैसे किया? कि वो सवाल का जवाब भी उनको वो सीक्वेंस में याद था। आप सवाल ही बताते थे और जवाब ही बताते थे।